मथुरा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक गोवर्धन थाने पहुंचकर थाना प्रभारी की सीट पर जाकर बैठ जाता है और खुद को थाना प्रभारी से पीड़ित बताता है और अपने किसी रिश्तेदार को थाना प्रभारी से प्रताड़ित करने की बात भी कहता है। कुछ लोगों पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने जैसी बात भी युवक वीडियो में कह रहा है, लेकिन एक युवक उसे यह भी पूछ रहा है कि आप थाना प्रभारी की सीट पर क्यों बैठ रहे हो। तो युवक कहता है कि आज मैं फुल फॉर्म में आया हूं और भाटी को मुझे सस्पेंड करवाना है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। तत्काल युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। युवक गोवर्धन थाने के इलाके का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच सीओ गोवर्धन को सौंप दी गई है और कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। आखिर इसमें थाना प्रभारी की कितनी लापरवाही है और जिस तरह युवक पुलिस की मौजूदगी में थाने के अंदर उसकी सीट पर कैसे पहुंचा है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से युवक का वीडियो वायरल हुआ है उससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आखिर एक शख्स थाना प्रभारी की सीट पर कैसे पहुंच जाता है और हाथ में टोपी लिए इस तरह की अनगरल बातें करता है, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से युवक थाना प्रभारी की सीट पर बैठकर यह कारनामा कर रहा है वाकई हैरान कर देने वाला है। युवक के आरोपों में कितनी सच्चाई है और उसके रिश्तेदारों के साथ क्या घटना हुई है, यह भी एक जांच का विषय है। कौन कौन लोग हैं घुसखोर? नीला पत्रकार परीक्षित कौशिक और पवन कुमार और एंड वाइक वाइक जो तुम्हारे पत्रकार हैं, वाइक सपोर्टर जो लोकल, जो उनके सपोर्टर हैं, हाँ लोकल जो न्यूज से जुड़े हुए हैं, जो झूला चाप है, जो उन्हें कुछ ले लेते ही इकट्ठे दर पे कर देते हैं, गरीब लोगों को सता रहे हैं और पैसे वालों की तो बहुत ज्यादा सुनी जा रही है यहाँ पर। अच्छा, आपकी फिलहाल में समस्या क्या है? मेरा मामा का लड़का पकड़ा था यहीं पर लक्ष्मण होटल से, खास मामा का। लक्ष्मण होटल किस जगह पे? देशों कड्डा इंदिरा यहाँ पे तिल कॉनेक्ट। अच्छा, हाँ तो ये इसने मेरी मामी से बाकी ने क्या कहा था, अबे जा रही नहीं क्या, अभी बताऊँ तुझे। अच्छा, और गलत मैटर में पूरी इंक्वायरी दी थी, पूरी सपोर्ट दी थी दूसरी पार्टी को, विपक्ष पार्टी। अच्छा, इस बात के लिए और किसी का नाम बताना थाने स्टाफ में सकते बता। अब क्या शिकायत लेके आए हो आप यहाँ पर? मैं शिकायत लेके आया हूँ, मैं कल परसों ऐसे अपना परिचय पत्र देने आया था, मैं पत्रकार हूँ गोवर्धन से। भाटी बोलता चल निकल, क्या तेरी हमारा पत्रकारिता का लेगी, साले समय में नहीं आ रही, घर जाके सो जा, बोलने की ये लैंग्वेज थी अभद्रता से। तो आप वो भी गाली देगा और साले कहता। तो आप उनके कुर्सी पे यहाँ बैठे हैं, क्या किसने बिठाया आपको यहाँ? मुझे सस्पेंड कराना डायरेक्ट, मैं कलेक्शन के साथ आया हूँ क्योंकि मेरे मामा के लड़के को भी सताया, मुझे भी सताया और आम जनता को भी सता रहे। थैंक यू। सामने आया SHO गोवर्धन की सीट पर एक युवक बैठा हुआ और उन्हें सस्पेंड कराने की धमकी दे रहा है और घुसखोरी का भी आरोप लगा रहा है उस सीट पर। ये पहली चीज़ तो इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 170-179 और IT एक्ट में। इनके घर वालों से पूछताछ की गई है, जो घर वालों ने बताया है, जो अभी तक जानकारी हुई और उनके द्वारा अभिलेख बताए गए जब FIR पंजीकृत होने के बाद, कि लड़का जो है मानसिक रूप से असामान्य है, उसका असंतुलन कुछ है, घर से इस तरह से कई बार गायब हो जाता है, वर्तमान में भी गायब है। ये वीडियो कल का नहीं, पुराना वीडियो है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकृत के बाद में और इनकी डिटेल्स के आने के बाद और विधिक कार्रवाई इसमें। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक लापरवाही भी है कि इंस्पेक्टर की सीट तक युवक पहुंच जाता थाने में, सुरक्षाकर्मी भी ये थाना अध्यक्ष से मिलने के लिए अंदर गए थे तो बताया गया है और उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस बीच इन्होंने इनके साथ जो जानकारी प्राप्त हुई, जो भी व्यक्ति गया होगा उनका ऐसा वीडियो इस तरह का बनाया गया है, इसमें हमने जो क्षेत्राधिकारी गोवर्धन है उनको दोनों चीज़ों की रिपोर्ट करने के लिए कहा है। जो रोल ऑफ पुलिस है वहाँ पे, अगर कोई लापरवाही है तो उसके बारे में रिपोर्ट करें। वीडियो एग्जैक्टली किस टाइम का है, क्या है, ये व्यक्ति की पूछताछ से और क्लियर हो जाएगा। तो विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों की रिपोर्ट CEO गोवर्धन से मांगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।